सभी लोग, आप सभी लोगों का मेरे चैनल सुमीपा किचन में स्वागत है। मैं शिल्पा आप सभी लोगों के लिए जल्दी से इजी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है कॉर्न चाट। तो आइए देर ना करते हुए हम ये कॉर्न चाट की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। कॉर्न चाट बनाने के लिए हम कॉर्न के लिए डो तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक बड़ी कटोरी मैदा लिया है, एक चम्मच घी लिया है, आधी चम्मच नमक और आधी चम्मच अजवाइन लिए। अब हम डो तैयार करेंगे। तो मैं सबसे पहले मैदे को प्लेट में डालूंगी। अब इसमें हम नमक और अजवाइन डालेंगे और हाथ से इसको अच्छे से मिला देंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम घी डालेंगे। आप चाहे तो तेल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन घी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए हम इसमें घी यूज कर रहे हैं। घी को भी हम अच्छे हाथ से मिक्स कर देंगे। ये देखिए घी भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब एक गिलास में मैंने सादा पानी लिया है। हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक टाइट डो तैयार करेंगे। जिस तरीके से हम पूरी के लिए आटा तैयार करते हैं ना, सेम उसी तरीके से हम ये डो तैयार करेंगे। हाथ को हमें टाइट चलाना है और पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ये देखिए जिस तरीके से हम पूरी के लिए डो तैयार करते हैं, सेम उसी तरीके से ये डो तैयार हुआ है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढककर रेस्ट करने के लिए रख देंगे, जब तक हम स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग के लिए मैंने एक कटोरी में परमल लिए जिसको मुरमुरे भी कहा जाता है, मिक्सचर नमकीन लिया है, चटपटा मिक्सचर नमकीन, चटपटी तीखी नुक्ती लिए मैंने, नमकीन मूंग दाल लिया है, एक बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक सेव, सिके हुए मूंगफली के दाने, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आधी चम्मच नींबू का रस, एक चम्मच इमली का रस, आधी चम्मच चाट मसाला और थोड़ी सी मैंने रेड चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो को दोनों को मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा नमक। अब सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे जिसमें हम चाट बनाएंगे। उसमें हम ये सारी सामग्री डाल देंगे, मुरमुरे, परमल, मिक्सचर नमकीन, चटपटी नुक्ती। आप इसमें अपने हिसाब से कोई भी सामान मिक्स कर सकते हैं। आपको, आपके बच्चों को और फैमिली को जो भी पसंद है आप वो यूज कर सकते हैं। आपके घर में जो भी सामान अवेलेबल है आप उसको यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि तीखा सामान यूज करें। आप चाहे तो तीखा सामान को अवॉइड कर सकते हैं और मीठा भी मिक्स कर सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिला देंगे हम, रेड चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो, चाट मसाला, नींबू का रस और इमली। हमने इसमें नींबू का रस और चाट मसाला और इमली का रस यूज किया है, तो चाट तो तीखी चटपटी तो होनी चाहिए ना। तब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए ये चाट अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और नमक को भी इस चाट के साथ अच्छे से मिला देंगे। मैंने आपसे कहा है आप इसमें कोई भी सामान यूज कर सकते हैं, जो भी आपके घर अवेलेबल है, आपके बच्चों को जो भी पसंद है आप उसमें यूज कर सकते हैं। ये चाट बनकर तैयार है, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। 10 मिनट हो गए, डो भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। मैं इसको एक बार हल्के हाथ से मल लेती हूँ और इसके दो भाग कर लेती हूँ और इनकी गोल लोइयां बना लेती हूँ। अब हम एक लोई लेंगे और इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो इसमें सूखा मैदा का भी यूज कर सकते हैं बेलते टाइम। वैसे हमने ये डो टाइट करा है तो हमें इसमें सूखे मैदे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसको अच्छे से गोल और बड़ा बेल लेंगे। ये देखिए मैंने इसको बेल लिया है। अब हम एक कोई साइज का बर्तन लेंगे या कोई ढक्कन वगैरह लेंगे जिससे कि हम इसको कट करेंगे। तो आप कोई भी साइज का ढक्कन यूज कर सकते हैं। इसमें मैंने इसको कट कर दिया है, ये देखिए। अब इसको मैं हल्का सा और बेल लेती हूँ क्योंकि ये थोड़ा हल्का सा छोटा सा है, तो हम इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ये रोटी हमारी ना ज़्यादा मोटी होना चाहिए ना ज़्यादा पतली होना चाहिए, मीडियम साइज की होनी चाहिए। जैसे हम घर में रोटी बनाते ना उसी तरीके से होना चाहिए। अब हम कटर की सहायता से इसके दो भाग कर लेंगे।
अब हम फोक से हल्के से इसमें छेद कर देंगे, जिससे कि हम जब इसको फ्राई करें तो ये तेल ना पिए और अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो। मैंने एक छोटी सी कटोरी में एक चम्मच मैदा और थोड़ा सा पानी डालकर एक पतली सी स्लरी तैयार की है, जो हमें कॉर्न चिपकाने में काम में आएगी। आप देख सकते हैं व्हाइट कटोरी है तो देख नहीं रहा, ये देखिए। इस स्लरी को मैं साइड में रख देती हूँ। अब इसकी हम कॉर्न बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं कॉर्न को किस तरीके से बना रही हूँ। हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और स्लरी की सहायता से इसको चिपकाते हुए हम सारे कॉर्न बनाकर एक प्लेट में रखते जाएंगे। हम स्लरी का यूज इसलिए कर रहे हैं जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये हमारे खुले ना। ये देखिए हमारा एक कॉर्न बनकर तैयार है। अब इसी तरीके से हम सारे कॉर्न बनाकर रख लेंगे। आप देख सकते हैं इतने डो में हमारे 8 कॉर्न बनकर तैयार है। अब इनको हम डीप फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैंने गैस पर पहले से कढ़ाई में तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पर। तेल हमारा हल्का सा गर्म हो गया, हल्के गर्म में हम इनको फ्राई करेंगे। यदि तेल हमारा ज़्यादा गर्म होता है तो गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। अब इनको हम एक एक कॉर्न को चम्मच की सहायता से हम इनको डीप फ्राई करेंगे। चारों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको डीप फ्राई करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब स्टार्टिंग में हम कॉर्न को फ्राई करेंगे तो चम्मच की सहायता ज़रूर लीजिएगा, ताकि कॉर्न हमारे चपटे फ्राई ना हो, गोल फ्राई हो। तो जैसे ही हल्के सिक जाएंगे तो हम चम्मच को हटा देंगे। इसी तरीके से हम सारे कॉर्न को फ्राई कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, गैस तेल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, तेल हल्का गर्म होना चाहिए। ज़्यादा गर्म यदि आप फ्राई करेंगे तो कॉर्न हमारे सॉफ्ट फ्राई होंगे। हमें क्रिस्पी फ्राई करने के लिए स्लो फ्लेम में ही कॉर्न को फ्राई करना है। ये देखिए हमारे सारे कॉर्न अच्छे से फ्राई हो गए। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। तेल के ज़्यादा गर्म हो जाने के बाद यदि हम कॉर्न को फ्राई करते हैं तो कॉर्न हमारे इस तरीके से सॉफ्ट रहेंगे, और यदि आप हल्के गर्म तेल में फ्राई करेंगे तो ये देखिए कॉर्न हमारे क्रिस्पी और कड़क रहेंगे। तो आप हल्के तेल में ही इसको फ्राई कीजिएगा, हल्के गर्म तेल में। और एक कटोरी में आप बारीक सेव ले लीजिएगा। अब हम इसके अंदर चाट भरना स्टार्ट करेंगे। तो हम इसमें एक एक चम्मच चाट भरेंगे। आप चाहे तो कॉर्न का साइज बढ़ा सकते हैं। अब इसी तरीके से हम सारे कॉर्न में चाट भरकर रख लेंगे। चाट के ऊपर हम हल्के से बारीक सेव भी रखते जाएंगे, जिससे कि कॉर्न चाट हमारे और भी टेस्टी और हेल्दी लगे। अब इसी तरीके से हम कॉर्न के अंदर चाट और ऊपर से बारीक सेव रखकर हम एक प्लेट में रख। ये देखिए इजी हेल्दी टेस्टी तरीके से हमारी चटपटी कॉर्न चाट बनकर तैयार है। और बच्चों को तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्रिस्पी है, हेल्दी है, टेस्टी है और जल्दी से तो बनी गई है। तो मम्मी को भी इजी लगेगी ये बनाने में, तो देर किस बात की, जल्दी से मम्मी यहाँ बनाइए इस रेसिपी को, फैमिली बच्चों और फ्रेंड को टेस्ट कराइए और मुझे बताइए रेसिपी आप सभी लोगों को कैसी लगी। यदि आप सभी लोगों को ये रेसिपी पसंद आती तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से मेरी सारी रेसिपी आप सभी लोगों के पास आ जाएंगे, और इसी तरीके से मैं हेल्दी टेस्टी इजी रेसिपी आप सभी लोगों के लिए लाती रहूँगी। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के लिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।